कपड़ा व्यापारी के खाते से ठगी कर 20 लाख रुपए निकालने का मामला आया सामने। जी हां, अलवर अरावली बिहार थाना अंतर्गत एक कपड़ा व्यापारी के खाते से ठगी कर 20 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में अरावली बिहार पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कालाकुआं निवासी कपड़ा व्यापारी पवन जैन ने बताया कि उसका होप सर्कस पर कपड़ों का व्यापार है और बैंक ऑफ बड़ौदा की अरावली बिहार शाखा में उसका खाता है। बैंक में 20 लाख रुपए जमा थे। शनिवार की शाम को बगैर ओटीपी और कोई मैसेज आए हर बार में 19,30,000 रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने बताया कि जब बैंकों के ही पैसे सुरक्षित नहीं हैं, वैसे वे कहां जमा कराएं? घरों में सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना ओटीपी आए, बिना मैसेज आए ही इतनी बड़ी राशि निकाल ली गई। उन्होंने बताया कि रूटीन में हम रोजाना 5 से 7 बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। उन्होंने इस संबंध में बैंक से संपर्क किया तो इस बात का पता चला कि करीब 14 लाख रुपए लखनऊ में निकाले गए, जबकि 5 लाख रुपए दिल्ली में निकाले गए और दोनों बैंकों का पता चल गया। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर बैंक को पता नहीं चला, लेकिन बैंक के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर इस बात का खुलासा हुआ। ये सारा फ्रॉड रविवार को किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अरावली बिहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और बताया कि इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन ब्रांचों से संपर्क किया जा रहा है जिन ब्रांच में ये पैसों का ट्रांसफर किया गया। पवन चौधरी, हाँ बताइए, किस तरह की मेरा कपड़े का व्यापार है, अमित चंद्र टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिसर के पर दुकान है, उसका मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा अरावली विहार में है, जिसमें मेरे अकाउंट में करीब 20 लाख रुपये थे और बिगर ओटीपी आए और बिगर मैसेज आए वो पैसे कल रात को मेरे अकाउंट से 4 बार निकल गए। मेरा इसमें यही कहना है कि जब हमारे पास ओटीपी नहीं आया, मेल पे हमारे पास कोई मैसेज नहीं है और बैंक द्वारा इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है तो पैसा सुरक्षित कहाँ है? आज जब बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है तो आदमी क्या करेगा? गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि आप बैंक में पैसा रखो, घर में मत रखो, और जब घर में मत रखो तो क्या करेगा आदमी? तो मेरे तो समझ से बाहर है कि हम जैसा व्यक्ति जो रूटीन में ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग, 5-7 ट्रांजेक्शन हमारी प्रतिदिन होती है, और हम जैसे व्यक्ति के साथ भी, हमारे जैसे व्यक्ति के साथ भी अगर फ्रॉड हो गया तो बेचारा जो आदमी इस लाइन को नहीं समझता हो तो उसके साथ तो बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हमारा ये करीब 19,30,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकल गया चार्ज के, और ये पैसा लखनऊ में ट्रांसफर हुआ है, करीब 14 लाख रुपये लखनऊ ट्रांसफर हुआ है और 5 लाख करीब दिल्ली ट्रांसफर हुए हैं। अच्छा, दोनों बैंकों की जानकारी मिल गई है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी आपने सर बैंक कर्म वहाँ पे गए, अधिकारियों से बात की, तो क्या सामने आया अभी तक? नहीं, बैंक अधिकारी के हिसाब से इसकी जानकारी करा रहे हैं, वो बेचारे वो भी क्या बोले, ब्रांच लेवल पर तो वो कर भी क्या सकते हैं, ब्रांच लेवल पर वो भी सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर अपने थाने पे आए तो थाने वाले भी सहयोग कर रहे हैं। अब ये थाने पर जब आप आए हैं तो यहाँ पर FIR वगैरह दी है? FIR बिल्कुल नोट कर रहे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं पूरा। अच्छा, टोटल कितनी राशि है आपकी? समथिंग 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए।